खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की एक हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां पति से विवाद के चलते गुस्साई 26 साल की महिला ने 40 फीट से ज्यादा ऊंचे नर्मदा पुल से नदी में छलांग लगा दी। मायके जा रही महिला ने बाइक रुकवाई जब तक पति, सास और बेटी कुछ समझ पाते, इससे पहले वो नर्मदा नदी में कूद गयी। पुल के नीचे नर्मदा किनारे अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे एक युवक ने महिला को नर्मदा में छलांग लगाते देखा और तत्काल नर्मदा के बीच पहुंचकर महिला की जान बचाई। युवक को ठीक से तैरना भी नहीं आता था, लेकिन गनीमत रही कि उसने महिला को बचा लिया। राधेश्याम नाम का हिम्मती युवक किसी तरह महिला को पानी से बाहर निकाल लाया। तब तक महिला का पति और बाकी लोग किनारे पहुंच गए। महिला को मामूली सी चोट आई और कुछ देर में ही होश आ गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। दूसरी खबर विदेश से है। बेलारूस के राष्ट्रपति के इशारे पर यात्री विमान को हाईजैक कर लिया गया। इस यात्री विमान को जमीन पर लाने के लिए लड़ाकू विमान को आसमान में भेजा गया। विमान को बीच में ही रोककर उसकी लैंडिंग करा दी गई। ये देखकर सारे यात्री हैरान परेशान हो गए। लैंडिंग के बाद खुलासा हो सका कि दरअसल विमान में सवार एक पत्रकार यात्री को गिरफ्तार करने के लिए ये पूरा खेल खेला गया। हालांकि इस हरकत के लिए बेलारूसी राष्ट्रपति की वैश्विक स्तर पर आलोचना शुरू हो गई है। ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया के विलिनियस शहर जा रहे रायन एयर के यात्री विमान को उतारने के लिए लड़ाकू विमान आसमान में भेजा गया, जिसके बाद इस यात्री विमान की जबरन मिन्स्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा दी गई। ये हाईजैक 26 साल के पत्रकार रोमन प्रोत्साहिक को गिरफ्तार करने के लिए किया गया। रोमन प्रोत्साहिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के आलोचक रहे हैं। पत्रकार पर आतंकवाद और दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। अब पत्रकार की सजा पर बहस हो रही है। तीसरी खबर पाकिस्तान से है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की एक लड़की की मौत की खबर काफी सुर्खियों में थी। ब्रिटेन से पढ़ाई करने वाली 25 साल की मायरा जुल्फिकार को लेकर दो युवकों पर आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि ये दोनों लड़के मायरा से शादी करना चाहते थे। हालांकि अब इस केस में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जहीर जादून ने पुलिस के सामने मायरा को मारने की बात कबूल ली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पुलिस का कहना है कि मायरा ने जब 26 साल के जहीर के प्रपोजल को ठुकराया तो वो काफी गुस्से में आ गया था और उसने मायरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले खबर थी कि जहीर के अलावा अमीर बट भी मायरा के पीछे पड़ा हुआ था। ये मामला पाकिस्तान में काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। इस मामले में लड़की के पिता ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्हें इस मामले में न्याय चाहिए। इसके बाद पुलिस ने इस केस में तेजी दिखानी शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यूज़ तक ब्यूरो।